मध्य प्रदेश के भोपाल के पंसल हॉस्पिटल में पत्रकार के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है, जहां टाइम्स नाउ के पत्रकार गोविंद गुज्जर के साथ पंसल हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्ड ने जमकर मारपीट की। सुरक्षा गार्डों के हौसले इतने बुलंद थे कि पत्रकार बार बार मिन्नत व प्रार्थना करता रहा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने पत्रकारों की एक नहीं सुनी और ताबड़तोड़ हमले किए। इसमें पत्रकार गोविंद गुज्जर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें पत्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाता नजर आ रहा है। मेरे बच्चे मर रहे हैं एक्सीडेंट में, और तुम लोग मुझे कुत्तों की तरह मार रहे हो और ऐसा कर रहे हो, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। शिवराज जी, ये हाल किया मेरा, आपके अस्पताल में आपने मेरे बच्चों को भर्ती कराया, आपने मदद की, बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या हाल किया है? आप पता है इतने सारे लोग विजिटर्स मिलने आ रहे हैं, मैं किस किस को समझाऊं? ऐसे में अगर मैंने थोड़ा सा भी गुस्सा कर दिया तो उसका मुझे ये प्रणाम दिया, मुझे मारा गया, पीटा गया, कुत्तों की तरह पीटा गया हुआ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि मैं जाने दो, मुझसे अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो मैं माफी मांग लेता हूँ। अगर मैंने मेरे बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस अस्पताल में पड़े हुए, जिनको मल्टी फ्रैक्चर्स हुए और जिंदगी मौत के बीच झूल रहे मेरे बच्चे, एक्सीडेंट हुआ है उनका भयानक, साले के बच्चे, दो लोग जो अस्पताल में भर्ती करवाया आपने, जिन्होंने मुझे मार मार के इतना बुरा व्यवहार करते, बंसल हॉस्पिटल है, ऐसे अस्पताल में कोई ना आए, भगवान हे भगवान ऐसे अस्पताल में कोई ना आए, मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, मैं क्या बताऊं? मैं ये सब डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने सुबह फोन लगाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन इन लोगों ने जो बर्ताव किया है सुबह से मेरे बच्चों, कोई इस तरह का इलाज भी नहीं मिल रहा कोई अस्पताल में, डॉक्टर्स आते हैं कोई आया, सुबह एक्सरों से किया लोग, कुछ भी कर रहे, मेरी बेटी का हाथ पूरा फ्रैक्चर्ड है चार चार जगह से, उसके सूजा उल्टियां कर रही है सुबह से, मेरा साला भरती है। बता दें कि पत्रकार गोविंद गुज्जर के परिवार का आज एक्सीडेंट हो गया, इनके घायल परिजनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्टाफ द्वारा बंसल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। वे अस्पताल में भर्ती अपने बच्चों से मिलने पहुंचे थे, इसी दौरान वहां मौजूद गार्ड्स ने बदतमीजी करते हुए उन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।